वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें यूनिट्स भी आता है और कुछ मैकेनिज्म आता है ना, काफी सारे क्वेश्चंस जो फिजिक्स के बनते हैं। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। SSR डबल एयरफोर्स उनके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में ये हर एग्जाम में तो आते ही है, बट आपने नेवी MR का पेपर देखा होगा, उसमें हर पेपर में यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो जितने भी बेस्ट यूनिट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है, इसका हम एक बार ट्राई करते हैं, इसका आंसर क्या है। देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य, तो ये हो जाएगा जूल। आपको पता है ना, जब हम जूल मतलब क्या होता है? कार्य का मात्रक। चलिए, ऐसे करके आप याद कर ही लो। आगे देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? आप सबको पता होगा, ये जो इकाई है ना, वो दूरी की है। प्रकाश वर्ष काफी लंबी डिस्टेंस के जो मापने का काम करता है, वो प्रकाश वर्ष करता है। ठीक है, आगे देखो, बल की SI यूनिट क्या होती है? बल, तो बल का सबको पता होगा न्यूटन होता है। न्यूटन जो होता है ना, वो बल का SI यूनिट होता है। आगे देखिएगा, अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें चार क्वेश्चंस एक ही जगह पर क्लियर हो जाते हैं, इसलिए सबसे अच्छा होता है। देखिए, अभी क्या बोला कि जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा वो किसे प्राप्त होती है? जूल से। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दाब। अब दाब का मात्रा क्या हो जाएगा? पास्कल। बिल्कुल सही है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम, आपने पढ़ा होगा ना 12th में, तरंग दैर्घ्य जितनी भी होती थी उसके एंगस्ट्रम लगाते थे, और उच्च वेग बोले तो मैक। ठीक है, तो ये मतलब 1, 2, 3, 4 इसका आंसर है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, मतलब सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनको भी आपको मिलाना है। ये आपकी भौतिक राशि है और ये इनकी है इकाई। देखिए, दूरी जो है, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन आया था दूरी के लिए प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये सबसे ज्यादा दूरी होती है प्रकाश वर्ष। इसके बाद देखिएगा, अगर हमें बात करना है कि पदार्थ की मात्रा, तो मोल आपने पढ़ा होगा, मोललता ऐसे कुछ फिजिक्स का टॉपिक था। विद्युत आवेश की बात करते हैं तो ये होता है कूलाम। विद्युत आवेश पर क्या होता है? कूलाम। और ऊर्जा जो होता है वो वाट घंटा। क्या होता है ऊर्जा? क्या होता है? वाट घंटा। तो ऐसे करके आपका ए वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छा क्वेश्चन एक और आ चुका है कि अब क्या है ना, इनकी जो ये भौतिक राशि, इनका जो इकाई दे रखा है, तो इकाई के लिए बहुत सिंपल है क्या? देखिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे अधिक त्वरण, त्वरण का जो इधर इकाई है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इधर देखिए, बल, बल का तो सबको पता होगा नॉर्मली क्या होता है? न्यूटन होता है, मतलब बी का तीसरा न्यूटन होता है। अच्छा, आवेग, अच्छा आवेग का क्या होता है? ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड। और कार्य क्या होता है? जूल। तो ये आपको मिलाना आना चाहिए, इनमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप पर क्वेश्चन ना आए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मतलब आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के जाते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आपको बता दूं, पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। ये देखो, अधिवर्ष, चंद्रमाह, ये सब जो है ना, वो टाइम का एक मात्रक होता है। आगे देखो, पारसेक अभी बोला था कि दूरी को मापने के लिए ना हम पारसेक का यूज करते हैं, तो ए वाला दिस इज राइट आंसर। आगे देखो, और भी अच्छा क्वेश्चन इसमें आ गया है कि इनमें से चार में से ऐसा कौन सा है जो गलत है? ठीक है, देखिए, डेसिबल मतलब ध्वनि को मापते हैं, किसमें? डेसिबल में। बिल्कुल सही है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति, एक सब एकदम सही है। अच्छा, जितनी भी समुद्र में डिस्टेंस को मापा जाता है वो समुद्री मील या नॉटिकल माइल, एकदम सही है। ऊष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं होगा, ठीक है, ये वाला जो डी वाला एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो कि सेल्सियस मतलब टेम्परेचर को मापा जाता है, ठीक है, ऊष्मा को नहीं, तो ये डी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये ग्रुप डी में भी आया था, SSC GD में भी पूछा गया है, तो ये ज्योति फ्लेक्स का ल्यूमेन क्या है? ज्योति फ्लेक्स का भौतिकी, अच्छा भौतिक मात्रा ज्योति किसका इकाई है? ज्योति किसका इकाई है? ठीक है, तो ये हो जाएगा लक्स। किसका हो जाएगा? लक्स। ऐसे याद रखो, ज्योति नाम की एक लड़की है जो कि लक्स साबुन यूज करती है। अच्छा, पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल किसकी इकाई है? तो ये दाब की है, ठीक है, इतने पास्कल दाब है। अच्छा, कैंडला मतलब बोले तो कैंडल, क्या हो जाएगा इससे? कैंडला बोले तो कैंडल, तो ये क्या है? ज्योति की तरह जुड़ी है, तो ज्योति तीव्रता, क्या तीव्र से जुड़ती है ना, मतलब कैंडल जो होती है वो काफी तीव्र, उसमें जो जो काफी ज्यादा मतलब क्या आग होती है, हाँ जल जाएगा तीव्र गति से। आगे देखो, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई है। किसकी है? ऊर्जा की, जबकि बल जो होता है पास्कल, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा, दाब हो जाएगा पास्कल, और ये होगा टेम्परेचर मतलब सेल्सियस वगैरह। ठीक है, आगे देखिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हो गई थी? तो मात्रों जैसे आपने देखा SI वैसाई जितनी भी पद्धतियां होती हैं वो 1971 में। हर्ज क्या मापती है? तो आपको पता है नेवी MR में पूछा गया था, और पिछली बार SSR में पूछा गया था, हर्ज जो है वो किसका मात्रक होता है? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये,
तो ये हो जाएगा हर्ट्ज, किसका हो जाएगा सोचिए, देखिए ये हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा का मात्रक कौन सा होता है, विद्युत मात्रा का इकाई जो होता है वो एम्पियर होता है। आगे ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति किससे मापा जाता है, तो डायोप्टर, ये सबको पता होगा ठीक है, शक्ति बोले तो वाट। अच्छा डेसीबल क्या मापता है, आपको पता है वातावरण में जो ध्वनि होती है उसे डेसीबल में मापा जाता है। आगे देखिएगा एम्पियर क्या मापने के काम आता है, एम्पियर क्या मापने के काम आता है, तो वो करंट यानी विद्युत धारा को मापने के काम आता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो वो किसका नहीं है बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल और दाब का। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, आपको पता है खगोलीय जो इकाई होती है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है, तो विकृति जो है वो अविमीय राशि मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान जो एक सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। अदिश राशि इनमें से कौन सी है, तो ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, तो चार में से सदिश राशि मतलब बोले तो संवेग, ये सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, तो ये हो जाएगा आयतन। निम्नलिखित में से सदिश राशि, अब इसमें सदिश राशि फिर से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका वेग जो एक सदिश राशि मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्क्रम परिणाम नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्रव्यमान जो होता है वो व्युत्क्रम परिणाम नहीं होता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए इसका आपको सूत्र बताना है, त्वरण ज्ञात करने के लिए, तो ये हो जाएगा देखिए ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ये एस उसमें नेवी डबल ए में भी पूछा गया था। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये जो राशि प्राप्त की जाती है वो त्वरण प्राप्त की जाती है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो वो कोणीय गति का आयाम होता है। दोस्तों इनको आप जरूर याद कर लेना, सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस ही यहाँ पर लिए गए हैं, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, लेकिन फिर भी आप इनको तो कम से कम कंटेस्ट कर लेना, इनमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण ये यू नो पॉसिबल होता है, तो ये तृतीय नियम है, कौन सा है ये, तृतीय मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना क्योंकि आपको पता है नेवी एमआर में आ गया था। कोई पिंड तब तक भ्रामावस्था में बना ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है, तो ये न्यूटन का है, किसका है, न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के अनुसार, बल की परिभाषा मतलब गति के पहले नियम के अनुसार। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो क्या हो जाएगा, जड़त्व, क्या हो जाएगा, जड़त्व, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट नियम। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, अभी अभी बोला था कि जड़त्व का जो नियम होता है वो न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो वो बल है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित किया गया बल, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, यह किसके द्वारा समझाया जा चुका है, तो न्यूटन का पहला नियम ऐसा समझाता है। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करती है, तो इसका राइट आंसर है न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट काम करती है, ठीक है, रेखीय गति। आपको मैं बता दूं कि नेवी एमआर में ये कल के पेपर में आया था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है, लैंग्वेज कुछ अलग था लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही था। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर के पकड़ता है, क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है जिससे चोट
नहीं लगती है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो कुछ और इंपोर्टेंट आपको बता दूं, कुछ मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं। साइकिल चलाने वाला मोड लेते समय क्यों झुकता है, तो इसका राइट आंसर है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए, मतलब बी वाला एकदम सही हो जाएगा। जिनको ये क्वेश्चंस याद नहीं है उनको वो याद कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। कोई साइकिल सवार किसी मोड में घूमता है तो वह क्या करता है, तो वह अंदर की तरफ झुक जाता है ताकि उसका बैलेंस बना रहे। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर आ जाती है, तो वो देखिए अपकेंद्रीय बल। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, ऐसा क्यों होता है? अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होने के कारण पानी बाहर नहीं निकलता है। आगे देखिए वॉशिंग मशीन का क्या कार्य सिद्धांत होता है, तो ये होता है अपकेंद्रण पर। किस पर? अपकेंद्र पर। जैसे आपने देखा कि दूध में से दही निकालना वो भी अपकेंद्रीय क्रिया है, ऐसे सेम यहां पर भी वॉशिंग मशीन मतलब उसमें क्या है गंदे चीजों में से भी क्या है कीचड़ बाहर निकाल रहा है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मेन कारण क्या बताया है, तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए इसका मेन यही रीजन है। आगे और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसके भार में कमी आ जाती है, मतलब भी तभी तो वो चलने लगता है। आगे देखिएगा, अब इसको आपको मिलान करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बट फिर भी आप एक बार जरूर इसे देखिए। देखिए विद्युत बल, बल क्या होता है बताइए, न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत आवेश तो ये होता है कूलाम, बिल्कुल सही है। विद्युत विभव तो ये क्या हो जाएगा बताओ, बोल्ट। और विद्युत धारिता मतलब क्या हो जाएगा, फेराडे। तो ये आपको मिलान करना था, मतलब बी वाला एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, बाकी रिमेनिंग भी और आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। बाकी आप जीके मास्टर वीडियो में आप जाइएगा, ये साइंस की वीडियो है तो इसके लिए बन जाएगा साइंस मास्टर वीडियो, तो वहां पर आपको नेवी SSR और AA और आपके MR और एयरफोर्स में जो पूछी जाने वाला साइंस का कुछ भी पोर्शन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपके हर एग्जाम के लिए बेस्ट है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।